मैं कहते हैं ना, ये ऐसी फितरत होती है, चोरी चकारी लोगों की फितरत होती है, दूसरे की चीज सामानों को हाथ लगाना। मुझे इतना गंदा फील आ रहा है कि मैं आपको थी, पता नहीं मुझे किन मनहूसों की नजर लग गई बुरी। पर्सनल बेडरूम में घुस के चीजों को टच करना, ये ऐसे ही घटिया लोगों की ही फितरत होती है। ये तो कश्मीर मैंने में देखा क्या ही 35 40 नहीं। 35 38 हज़ार के आसपास थे। 35 तो मुझे याद है कि मैंने वो मेरे पास कैश था। थोड़ा कैमरा बुला रहा, कैमरे वाले को भी अंदाजा कुछ कुछ। सुबह 6 बजे का 11 बज गया और हालत बहुत खराब है, माइंड बहुत खराब है, हालत तो है सो है। अभी मैं पूरा घर समेटूंगी। एक होता है ना कि एकदम मन कुछ दिमाग काम नहीं करता है, कुछ करने की भी इच्छा नहीं होती है, पूरा घर एज इट इज वैसे का वैसा ही पड़ा। ये कपड़े धुल गए थे रात में, जैसे कि आपको दिखाया था, वो मुझे सही करना है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है एकदम। ये देखो कितनी हालत खराब। अभी उसने, नालायक ने, चोर ने ये ऐसे हटाया होगा, तो मैं अभी कुछ मैंने टच ही नहीं किया है। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पता नहीं वो क्या खजाना ढूंढ रहा था। ये पता नहीं कौन सी, ये डिब्बी जो है मेरी तो उसकी है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये देखो कैसे बुरी तरह तोड़ गया। इसका तो कोई वो नहीं, बहुत पुरानी, बहुत अटैचमेंट थी, इन्होंने मुझे दिलवाया था। तो जब हम लोगों की शादी होने वाली थी ना, मैंने इनसे बोला था मुझे एक वो पसंद आया। मैं मार्केट शॉपिंग करने तो जाती रहती थी, तो इन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि वो तुम ले लो, वो मैं उसकी पेमेंट मैं करूँगा, तुम ले लो। मैंने कहा अरे नहीं, इतना कुछ वो नहीं है, मैं ले लूँगी जाके, पर पेमेंट तुम मत करना। पता नहीं क्यों ये जिद पकड़ गए थे। तो ये बॉक्स इन्होंने मुझे दिलवाया था, तो एक कहते नहीं, एक अच्छी याद इससे जुड़ी थी। खुले खुले घर में रह आई मैं, इतने रेंट के घर में रह आई, लखनऊ रह आई, कभी नहीं, कभी नहीं चोरी का तो नामो निशानी। और ये अचानक से पता नहीं इस माहौल में, यहाँ पर आकर के जहाँ इतने कैमरे हैं, 6-6 सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके बीच में आकर के चोरी कैसे हो गई मेरे उसमें, मेरे ही घर में। अभी ना मेरा कुछ भी करने का इच्छा नहीं कर रही है। देखो सब कुछ एज इट इज़ वैसे का वैसे ही पड़ा। ये तो अलमारियाँ भी खुली थी तो मैंने बंद कर दी हैं, वो वाली अभी मैं बंद करूँगी, टैडी की वजह से बंद नहीं हो रही हैं। मेरी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं कर रही थी। बट अभी थोड़ा सा इन्होंने समझाया कि चलो जो हो गया सो गया, परेशान मत हो। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है क्योंकि शुरुआत से कभी ऐसे चोरी चकारी वाले माहौल में रही नहीं है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हमेशा रहा है, भले ही थोड़ा कमी भली की हालत में रहे हैं, बट थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा ही घर का सामान है ऐसे बिखरा पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरा वो मेकअप वैनिटी तोड़ गया, उसे लगा पता नहीं उसमें क्या होगा। नन्नू की ये देखिए, नन्नू की वाली स्विमिंग ड्रेस, तो मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आ रही ना, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह नोच लूँ कि हिम्मत कैसे होती है किसी की पर्सनल चीज़ों, कैसे इंसान छू लेता है, हाथ लगा लेता है, हिम्मत कैसे होती है। मैं कहते हैं ना, ये ऐसी फितरत होती है, चोरी चकारी लोगों की फितरत होती है, दूसरे की चीज़ सामानों को हाथ लगाना। मुझे इतना गंदा फील आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, गुस्सा भी आ रहा है और क्या ही बोलूँ। एक सेकेंड, मम्मी का कॉल आ रहा, कैमरा ही गंदा हो गया। मम्मी का कॉल आ गया था, कुछ पूछ रही थी। बस अभी 5 मिनट पहले मैं ब्रश करके आई हूँ और दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा चलो आपसे बात करती हूँ। ये गए कुछ खाने को लेने के लिए, कह रहे थोड़ा बहुत कुछ खा तो लो। मैंने कहा कुछ इच्छा नहीं कर रही है, तो ये ले आए खाना, माने नहीं। और अरे अब लो, हो गया अब खाना तो खानी पड़ेगा यार, दिमाग बहुत खराब है यार, बहुत मूड खराब है, बहुत नुकसान हो गया। मुझे इसको क्लीन करना है, कपड़े ये ऊपर से उतार करके ले आए हैं, तो ये वाले फोल्ड करके रखूंगी। और अभी ये निकल रहे हैं काम से क्योंकि इनको पुलिस स्टेशन भी जाना है। अभी एक FIR बोल रहे हैं, FIR तो क्या ही लिखेंगे, जो भी प्रोसेस होता है वो करने के लिए मुझे तो कुछ पता नहीं है स्टेशन वगैरह का,
क्योंकि मैं कभी पुलिस स्टेशन गई नहीं हूँ अपनी पूरी लाइफ में, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। यहाँ पर ये सब है। अब मैं लगने जा रही हूँ काम पे, और जिसका मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा माइंड एक तो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। मैं यूँ फटाफट से काम करके फटाफट से आगे क्या करती हूँ, मिलती हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी घर छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। मेरा ताला इतना मजबूत था, ताले में खरोंच तक नहीं आई है। और ये देखो, ये हो गया। फिलहाल तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब देखते हैं शाम तक क्या क्या है। इनको और एक दो काम है, वो ये करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, और मैं सारे घर के काम निपटाऊंगी। जो कपड़े वॉश किए थे वो फैला दूंगी, धूप निकल आई है और ऊपर से कपड़े आ भी गए हैं। तो इतना करके मिलती हूँ मैं आपसे फिर जो है, क्योंकि इन्हें काम पर भी निकलना है पूरा दिन के लिए। ये कैसी आवाज़ है अजीब वगैरह। एक तो यहाँ मिस्त्री मजदूर और मतलब बहुत हर क्वालिटी का इंसान यहाँ पर रहता है। अब किसी के बारे में कुछ चाह करके भी बोलना नहीं चाह रही हूँ, ना ही मैं कभी कुछ बोलती हूँ, बट ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो लगता है कि इंसान से मेहनत नहीं की जा रही है, बस निकम्मागिरी करना है आदमियों को, इंसानों को। बस ऐसे निकम्मेपन का पैसा फलता नहीं है, चाहे कितना भी आपको थोड़ी दूर तक ले जाएगा पर ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। मम्मी से रहने के अभी वो आई हैं थोड़ी देर पहले, और आप समझ सकते हैं कि एक माँ से कैसे रहा जाएगा, पूरा दिन उन्होंने कैसे काटा वही जानती, क्योंकि नन्नू के साथ थी वो। और अभी मैंने पूजा की है, भगवान जी को सारा अच्छे से सेट किया है, क्लीन वगैरह करके, क्योंकि पूरा सब उधेड़ गया था वो, तो वो सारा कुछ करके अब अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। और पूजा करके मन को बहुत बहुत ज़्यादा शांति मिली। थोड़ा सा लो फील हो रहा है, सर फटा जा रहा है, और हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि सर्दी की वजह से 2-3 घंटे खड़ी रही हूँ। सारा दिन लोग आए हैं, सारा दिन मेरे घर में लोग आए हैं, सारा दिन। 6 बजे मुझे फुर्सत मिली, जैसे तैसे करके मैंने 6 बजे नहाया, और फिर नहा करके मैंने पूजा की, और अभी 7:15 करीब बज रहा है। मेरे गले में वैसे ही कुछ लगने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बना के पी लूँ। और नन्नू आई है, नन्नू का मन था यहाँ आने का। देखिए बच्चे हर चीज़ समझते हैं, कहते कुछ नहीं है, बोलते कुछ नहीं, पर हर चीज़ समझते हैं। बोल रही मुझे अब वहाँ जाना है, तो मम्मी उसको लेकर के आई। और जो क्या बोलते हैं उसको, बेल्डिंग बोलते हैं ना, जो कुंडा टूट गया था, बेल्डिंग वाले भैया भी आए थे, इन्होंने बोल दिया था, तो वो आए, वो लगा करके गए, जो कुंडा टूट गया है वही फिक्स कर गए हैं, क्योंकि बिना कुंडे के तो नहीं काम। मैंने कहा भैया थोड़ा और मजबूती से कर देना, तो आप तो देख ही रहे हो, अभी देखो कैसे तोड़ दिया। ऐसी कमाई किसी को फलती नहीं है, इतनी हाई इतनी बद्दुआ लेकर के आप किसी को, बात टीवी की नहीं होती, बात किसी चीज़ की नहीं होती है, सोने जवाहरात की नहीं होती, बात होती इमोशंस की। कुछ लोगों के इमोशंस के साथ इतना गंदी हरकत कर देते हैं लोगों के इमोशंस के साथ, कि किसी के पर्सनल बेडरूम में घुस के चीज़ों को टच करना, ये ऐसे ही घटिया लोगों की ही फितरत होती है। कोई बात नहीं, मेरी खुशियों से प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को थी, पता नहीं मुझे किन मनहूसों की नज़र लग गई बुरी, मैं बता नहीं सकती हूँ। जब मैंने ये घर लिया था, या जब मैं कोई भी छोटा सा भी सामान लेती थी, यहाँ तक कि मेरी जब यूट्यूब अर्निंग, मतलब ओवरऑल मैं आपको बात करूँ, मैं ज़्यादा खुल के तो यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, बट कुछ लोगों के कलेजे पे बहुत सांप लोटे हैं, पता नहीं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है मुझे, भगवान सब देख रहा है। मुझे तो थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, कोई बात नहीं, वक्त है, किसी का एक जैसा नहीं रहता है। बट मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मैंने कोई डकैती नहीं डाली थी, मैंने किसी का हक नहीं मारा था, ना ही छीना था, ना ही 2 नंबर की कमाई थी, कुछ नहीं था। बहुत मेहनत की, आंखें फोड़ी, सर फोड़ा, रात रात भर एडिटिंग करी, इन्होंने धूप में ये जले हैं, तपे हैं, तब जा कर के मैंने ये घर बनवाया था। ये देखिए, मैंने जो है सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया सा करके। ये देखिए ये कुकर ऐसा मम्मी ने पता नहीं क्यों रख, शायद उधर ले जाना है इस वजह से रख दिया है।
ये सब मैंने साफ किया, यहाँ पर मैंने सब साफ किया, सब ए टू जेड मैंने सब कुछ साफ किया, अंदर से लेके बाहर तक मैंने पूरा घर चमकाया। उसके बाद ये पूरा रूम साफ किया। हाय नन्नू, हाय, आपके लिए दूसरी टीवी मंगा देंगे जल्दी, ठीक है? ओके। देख इसके, मैंने कहा नन्नू तुम्हें दुख नहीं हो रहा है तो देखो क्या नौटंकी कर रही है। जल्दी से मंगा टीवी, जल्दी से मंगाए, ठीक है। देने का मन तुम्हारा भी नहीं था। बातें सुनो दादी अम्मा की, बच्चे भगवान का रूप क्यों होते हैं? बच्चे भगवान का रूप इसीलिए होते हैं कि वो आपके फेस पर स्माइल लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्माइल लाते हैं। बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं। बच्चे को भगवान का रूप इसीलिए कहा गया है कि उदास चेहरों पर भी बच्चे स्माइल ले आते हैं। अब मैं चाय बना लेती हूँ, बहुत बुरी तरह ठंडा आ गई हूँ, बहुत बुरी तरह थक गई हूँ, सर बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है, तो अदरक तो है नहीं, बट